हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं आशीष राव सर टीम जूलोजी सीएलसी सीकर आप सभी बच्चों का सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेटा स्वागत करते हैं होप सो आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो मेजर फाइव है डीसीएम सी एम का उसका जो पैटर्न है बेटा नीट का थोड़ा सा चेंज हो चुका है इसमें थर्टी फाइव ए सेक्शन में क्वेश्चन रहते हैं और जो फिफ्टीन क्वेश्चन हैं वो बी सेक्शन में है बी सेक्शन के अंदर उन फिफ्टीन क्वेश्चन में से केवल टेन क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं बच्चे ठीक है तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना जो पेपर है उसको ठीक है क्वेश्चन नंबर 101 101 101 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन कैरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ए डी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिखा है मिता, और, अब यहां कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है बेटा जो इकाइनोडर्म्स होते हैं बेटा वो क्या शो करते हैं बेटा जितने भी इकाइनोडम्स हैं वो अडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमिट्री शो करते हैं तो यहां तो आ गया फर्स्ट रेडियल सिमिट्री ठीक है बच्चे फिर कह रहे नेक्स्ट फाइला का है ए का में क्या रहता है बेटा जो मोलास्का होते हैं बेटा उनके अंदर क्या मिलेगा मोलास्का जो होते हैं उनमें क्या रहता है बेटा जो मेंटल कैविटी है वो प्रेजेंट होता ठीक है तो यहां पर आ गया अपना सिक्स ठीक है नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक सी लिखा है ऑफ इकाइनोड्रमेटा इज इट्स डिस्टिंक्टिव जो डिस्टिंग मतलब विशेष जो करेक्टर विशिष्ट करेक्टर है बेटा उसकी बात करते हैं उसके अंदर वाटर जो वेस्कुलर सिस्टम है जिसको हम डिस्कस करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा ठीक है इसी के थ्रू वो फूड को इनटेक करता है एक्सक्रीटरी मटेरियल उसको रिलीज आउट कर देता है तो यहां आ गया फोर्थ ठीक है नेक्स्ट है जो अपने फोर्थ स्टेटमेंट है पोरीफेरा डू नोट सॉरी पोरीफेरा गोट देयर नेम ड्यू टू भाई पोरीफेरा जो होते हैं उनको जो नाम दिया गया है पोरीफेरा वो किसकी वजह से क्योंकि पोरीफेरा पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पर बेटा जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये यह यहां लिखा है पोर बियरिंग फोर होते बेटा तो यहां आ जाएगा थर्ड डी के अंदर क्या रहेगा बेटा तो यहां पर जो ऑप्शन देखते हैं ए की जगह फर्स्ट बी की जगह सिक्स सी की जगह है, फोर एंड डी की जगह थर्ड तो आंसर हो गया बेटा अपना फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट भाई जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कथन दिए गए हैं उनमें से सही कौन सा बेटा यहां जो स्टेटमेंट दी गई है वो कौन-कौन सी है ऑल द मैमल्स आर वीवी पैरस क्या सभी मैमल्स वीवी पैरस होते हैं नहीं जो अपना प्लेटिपस है बेटा वो ओवी पैरस है तो ये इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट ऑल रेप्टाइल्स हैव हैव ए थ्री चैंबर्ड हार्ट विद इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल भाई ठीक है इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है ये करेक्ट है लेकिन सभी के अंदर थ्री चैम्बर हार्ट नहीं है जो क्रोकोडाइल्स होते हैं बेटा उनके अंदर फोर चैंबर हार्ट प्रेजेंट होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट हैव जो जो है बेटा वो अग्नाथा के अंदर आ जाते हैं और उनके पास जो प्रेजेंट नहीं होता है तो ये करेक्ट है नेक्स्ट ऑल कोर्डेट्स है सभी कोर्डेट्स के पास वर्टिब्रा कोलम होता है नहीं बेटा जो कुछ हमारे यूरो और जब हम देखते हैं ठीक है तो उनके पास बेटा जो वर्टिब्रा कोलम है बेटा वो नहीं रहता है केवल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हीं के पास वर्टिब्रा कोलम प्रेजेंट होता है तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट तो आंसर अपना जो है बेटा वो क्या गया थर्ड आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एनिमल्स जीरो थ्री एनिमल ऑफ विच सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। इट मींस ये बात करता है बेटा जो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है उसकी बात करता है अंध नाल वाला जो है उसका डिस्कशन किया बेटा वो किसके अंदर जो हमारे प्लेट्टी एलिमेंट थी से बेटा

ठीक है तो वो आंसर क्या रहेगा अपना प्लेटी एलमेंथिस बेटा जो अपने इसके साथ साथ, साथ है टीनोफोरा है वो भी क्या दिखाते बेटा सिंगल ओपनिंग होती है वो जो माउथ और एनस की तरह काम करती है बेटा दोनों की तरह फंक्शन करती है अंडरस्टैंड तो आंसर हो गया सेकंड नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा 104 वट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच कॉकरोच के संदर्भ में कौन सा जो कथन है बेटा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है तो यहां देखते हैं फर्स्ट एक्सक्रीशन बाय मालफीजियन टिब्यूल एकदम करेक्ट सही है मालफीजियन टिब्यूल के द्वारा बेटा एक्सक्रीशन करता है ठीक है हीमोलिम्फ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू टिश्यू बेटा गलत यहां पर जो जो सिस्टम मिलता है बेटा कॉकरोच के अंदर

ऑक्सीजन या कोई भी गैस है उसके ट्रांसपोर्टेशन में ठीक है तो ये इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट यह है पैरामोटाबोलस डेवलपमेंट पैरामोटाबोलस डेवलपमेंट होता है यहां पर जो क्या होता है ऊथिका के अंदर क्या होते हैं फर्टिलाइज एग रहते हैं एग जो होता है बेटा फर्टिलाइज जो एग है उससे क्या बनता है निम्फ बनता है और निम्फ से क्या बनते हैं अडल्ट इस तरह का जो मेटा जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं है, तो वो क्या होता है? है और यहां पर कितनी होती है ठीक है थीके? तो मेटामोस हो रहा है वो कितनी बार होता है थर्टीन तेरह बार होता है बेटा ठीक है तब अडल्ट बनते हैं तो ये भी क्या बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स्ट काइटीनियस एक्सोस्केलेटन भार की ओर जो एक्सोस्केलेटन है बेटा भाई ये कंकाल है वो काइटिन का बना होता है इनके अंदर एकदम करेक्ट तो आंसर जो होगा बेटा इन करेक्ट बताना था वो हो गया अपना सेकेंड आंसर नेक्स्ट वन जीरो मैच दी फॉलोइंग भाई अपने को मैच करना है फर्स्ट कॉलम को सेकंड से जो स्मूथ मसल से बेटा वो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं विशरल ऑर्गन है, उन सब के पास बेटा तो इंटरनल ऑर्गन्स के पास हो गया

जो बी है उसका क्या रहेगा बेटा फर्स्ट सी का सेकेंड डी का थर्ड आंसर हो गया सेकेंड बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 106 दैट न्यूरल टिश्यू आर भाई न्यूरल टिश्यू की बात की बेटा यहां पर तो न्यूरल टिश्यू के अंदर एक तो न्यूरॉन रहेगा और उससे जो एसोसिएटेड सेल्स होती बेटा जो उसकी सहायता करती हैं उसको न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करती हैं ठीक है थीके? वो प्रेजेंट होंगे आंसर तो Neuro हो गया थर्ड न्यूरोन नहीं रहेगा बेटा ने किडनी का पार्ट आ गया किडनी के स्ट्रक्चरल जो यूनिट है बेटा उसे हम ने कहते हैं ठीक है थीके? ये भी नहीं आ सकता नेफ्रोन नहीं रह सकते बेटा नहीं नेफ्रोसाइट्स नेफ्रोन के अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा उनको नेफ्रोसाइट्स वर्ड यूज कर लिया जाता है उनके लिए ओके okay, तो आंसर हो गया थर्ड नेक्स्ट वन हंड्रेड सेवन मैट्रिक सबस्टांस कंटेनिंग अबंडेंट कैल्शियम एंड कोलेजन भाई कैल्शियम भी है और कोलेजन भी प्रेजेंट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेटा याद रखना जो कैल्शियम है वो बोन और कार्टिलेज में जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ठीक है तो यहां देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा कोलेजन भी मिलता है दोनों में तो क्या रहेगा बेटा बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू आंसर तो अपने फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया बेटा एरियोलर नहीं आ सकता एडिपोज भी नहीं आ सकता क्योंकि ये स्ट्रेंथ और जो स्पोर्ट है बेटा उसमें हेल्प कर रहा है ये फैट का डिपोजिशन करता है इनरेगुलर डेंस भी नहीं आ सकता ब्लड और लिम्फ नहीं आ सकता बेटा ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं ये इनरेगुलर जो डेंस है बेटा इसमें जो अपने कोलेजन फाइबर्स हैं, वो क्या है बेटा पैरेलली या किसी भी होरिजेंटली अरेंज नहीं रहते हैं इनरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो अपना जो आंसर बेटा वो हो गया फर्स्ट नेक्स्ट 108, जीरो फीचर डिस्टिंगटिव फ्यूचर ऑफ कार्डियक मसल्स आर भाई कार्डियक मसल्स जो होती हैं बेटा वो कहां प्रेजेंट होती हैं हार्ट के पास कार्डियक मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती बेटा क्या होती हैं नेचर ठीक है हमारे हार्ट की पास प्रेजेंट होती हैं अब बात यह आई कि सर इनकी जो प्रॉपर्टीज दे रखी है, है. क्या होता है बेटा स्टेटिड रहता है ठीक है और इसमें ब्रांचिंग निकली होती है ठीक है सर ब्रांचिंग होगा तो स्ट्रिप्ट ब्रांचिंग हो गया सेकेंड न्यूक्लियस एक प्रेजेंट होगा एक फाइबर में थर्ड

ये बैंड्स हो गए लाइट एंड डार्क अंडरस्टैंड तो अपना answer हो गया फर्स्ट अनस्टेटेड नहीं हो सकती unstated जो stated है है बेटा ठीक वो कौन सी मसल्स होती हैं अपनी जो स्मूथ मसल नहीं हो सकती अनब्रांस अगर कर दिया बेटा अनब्रांस एंड स्टिप्ड मसल आ गया तो वो रहती है skeletal muscle, gap junction है रहता बेटा वहां पर ठीक है गैप जंक्शन का मतलब क्या बेटा कि ये एक सेल ये दूसरी सेल ये दोनों सेल्स आपस में अटैच हैं, ठीक है एक जंक्शन के द्वारा कनेक्शन से बना होता है बेटा और यहां जो ए सेल है और बी सेल है इन दोनों का जो साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन है वो सेम रहता आइसोटोनिक रहता है ठीक है स्टिप्ट एंड वॉलेंट्री ठीक है ये भी नहीं आ सकता तो अपना आंसर जो बेटा वो हो गया फर्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वन हंड्रेड नाइन यहां पर क्या है ये एक टेबल की तरह है बेटा यहां एक तरफ क्या दिया गया है पार्शियल प्रेशर दिखाया गया है दूसरी जगह जो अपना डिऑक्सीनेटेड ब्लड है उसके अंदर पूछा है कि क्या रहेगा भाई प्रेशर फिर ऑक्सीजनेटेड के अंदर पूछा गया है और फिर टिश्यू के अंदर दिया गया बेटा तो यहां पर क्या है भाई डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मींस उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहेगा अधिक कितना 45 mmHg. तो एक ही जगह आ गया 45. फाइव ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे बेटा तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना रहता है 95 फाइव एम एम का 40 एम एम ऐसे जब टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर देखा जाता है वो ऑक्सीजन का 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 फाइव एम एम होता है अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये क्वेश्चन आ गया। क्या है बेटा पार्शियल प्रेशर का मतलब है एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस या कह दो कि इस एटमोस्फेयर में अगर हम एक अकेली गैस का प्रेशर देखें कि वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, ओके तो यहां पर जो अपना आया तो ए की जगह फोर्टी फाइव बी की जगह 95, फाइव एंड सी की जगह फोर्टी फाइव तो आंसर हो गया बेटा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन सेट ऑफ द

और जो अपने कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ये सभी हमारा जो पेनक्रेटिक जूस है बेटा उसके अंदर से आते हैं हमारे ड्यूडेनम पार्ट में वहां एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही ये एक्टिव होंगे बेटा वो भी प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड्स जो है बेटा उनको ब्रेक डाउन करता है ठीक है डाइपेप्टाइडिक फॉर्म के अंदर तो करेक्ट है ये नेक्स्ट में काइमोट्रिप्सिन तो आएगा ट्रिप्सिन भी आ गया पेप्सिन भी आएगा लेकिन जो टाइलिन है बेटा ये स्टार्स का डाइजेशन करता है तो ये नहीं आ सकता सर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया थर्ड में डाइपेप्टाइडेज रहेगा जो डाइपेप्टाइड्स बने उनको डाइजेस्ट करेगा बेटा अमाइलेज नहीं आ सकता अमाइलेज जो है बेटा वो स्टार्स का डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन आ सकता है पेप्सिन भी आ सकता है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया फोर्थ डाइपेप्टिडेज आएगा रेनिन भी सही है लाइपेज नहीं आ सकता बेटा लाइपेज जो है अपना जो लिपिड होता है उसका डाइजेशन कराता है ट्रिप्सिन भी आ सकता है तो ये भी क्या हो गया बेटा इनकरेक्ट हो गया तो आंसर हो गया अपना सेकंड सॉरी फर्स्ट आंसर क्या बेटा प्रोटीन को केवल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी एंजाइम्स है वो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर रखे गए हैं बेटा ठीक है नेक्स्ट 111 डुडेनम जो है बेटा ग्रहणी भाग की बात कर रहे हैं यहां पर डुडनम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन भाई dudenum, जो पार्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता होता है जो है उसका जो का होता का. है जो जो पार्ट पार्ट बेटा उसका स्टार्टिंग का का ना ठीक है एंटीरियर पार्ट ऑफ डुडनम उसके अंदर बेटा ब्रूनर की ग्रंथियां जो ब्रूनर ग्लैंड है बेटा वो प्रेजेंट होते हैं जो ब्रूनर ग्लैंड है ये सिक्रीशन करता है किसका म्यूकस का किसका सिक्रीशन करेगा बेटा म्यूकस का तो यहां पर तो ब्रूनर ग्लैंड आ गया एंड इज साइट ऑफ ये मेन साइट है बेटा कहां पर ड्यूडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है तो मेन साइट किसका होगा ये डाइजेशन का क्यों क्योंकि बेटा इसी के मिडल पार्ट में अपनी हिपेटोपेनक्रिटिक डक्ट ओपन होती है उसके अंदर पेनक्रेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो रिलीज जो सब्सटेंस करेगा हिपेटो हिपेटोपेनक्रेटिक जूस तो उसके अंदर क्या मिलेगा जो पेनक्रेटिक जूस है बेटा उसके अंदर क्या मिलेंगे अपने पेनक्रेटिक एंजाइम्स जो डाइजेशन को करा कैरिड आउट कराते हैं तो आंसर क्या होगा बेटा ए के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड बी के अंदर डाइजेशन ठीक है आइसलेट्स ऑफ लेंगर जो है बेटा ये जो आइसलेट्स ऑफ लेंगर है बेटा ये कहा मिलती है पेनक्रियाज के अंदर ये किसका सिक्रीशन करती है हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है, है। इसके, इसके अंदर विशेष प्रकार की सेल्स मिलती हैं अल्फा बीटा और डेल्टा और पीपी सेल्स -पी बेटा ठीक है तो वो अलग अलग जो हॉर्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन करती हैं अल्फा सेल जैसे ग्लूकागोन का सिक्रीशन करेंगी बीटा इंसुलिन का और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेटीन का और जो पीपी -पी सेल है बेटा वो पेनक्रेटिक जो पेप्टाइड्स होते हैं बेटा उनका सिक्रीशन करती है ठीक है डाइजेशन ठीक है ये भी इनकरेक्ट हो गया बेटा आंसर तो पता लगे सेकंड है, है जो पेनेट सेल्स है बेटा ये लाइसो एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती हैं हमारी इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर ठीक है और जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं फूड के साथ उनको खत्म कर देती है बेटा एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन जो है बेटा वो जेजुनम पार्ट में होता है जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकून है बेटा क्रिप्ट ऑफ लिबरकून ये हमारी जो विलाई होती हैं उनके बेसल पार्ट में ऐसे क्रैक लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, ये तो विलाई होगी और ये जो क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं बेटा ये वाला जो पार्ट है ये इसको मैं ये वाला जो पार्ट है बेटा ये क्या आ गया अपना क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन ठीक है जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है वो सकस इंटेरिकस होता है बेटा हमारा इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका सिक्रीशन कराता है ओके okay. नेक्स्ट जो है 112 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ विच रेस्पिरेटरी गैस जो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सर ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एंड ये होता कहां है ये अपनी आरबीसी जो होता है बेटा उसके अंदर प्रेजेंट होता है किसमें और ये रिएक्शन कैरिड आउट कराता है बेटा एस टू ओ प्लस सीओ टू को रिएक्ट कराता है बेटा एक साथ और बना देता है एस टू सीओ थ्री ठीक है कार्बोनिक एसिड ठीक है उसके बाद ये जैसे ही ब्रेकडाउन हो बेटा तो बाई कार्बोनेट एच सीओ थ्री नेगेटिव और प्लस में एच प्लस में टूट जाता है बेटा ये रिएक्शन जो है आरबीसी के अंदर चलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन बेटा उसमें हम डिस्कस करते हैं ठीक है बाई कार्बोनेट फॉर्म बना देते हैं आ गया समझ बेटा तो यहां पर बेटा ये किसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के ओनली सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड का सॉरी ऑनली सीओ टू ट्रांसपोर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का मैक्सिम ट्रांसपोर्टेशन बेटा हिमोग्लोबिन के साथ होता है ऑक्सीजन का भी उसी के साथ होता है तो यह भी नहीं आ सकता ऑनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन भी नहीं आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं आएगा बेटा तो सीओ टाएगा तो आंसर क्या होगा बेटा अपना फोर्थ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वन हंड्रेड थर्टीन लिम्फेटिक सिस्टम इज एन एलोबरेटेड नेटवर्क ऑफ वे विच कलेक्ट दिफेटिक सिस्टम बेटा उसमें लिम्फ होता है। उसके अंदर अलग अलग जो अपने है वो हो जाती है। जैसे हो 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 ठीक है गाल्ट एंड माल्ट आ गया ये सभी आ जाते हैं बेटा तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है इम्यून, जो इम्यूनिटी है बेटा वो प्रोवाइड करता है तो। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और इसमें क्या रहता है

हैं ठीक है तो ये तो बाहर रिलीज हो रही है ओरल कैविटी में ये हमारे बॉडी सरफेस पे ये हमारे जो सीमेन है बेटा उसमें प्रेजेंट होगा तो इंटरस्टिशियल जो फ्लूड है बेटा जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं लिम्फ भी कहते हैं वो हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर कलेक्ट रहता है बेटा तो आंसर हो गया फर्स्ट इसका नेक्स्ट 114 इन ए वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल बात कर रहे बेटा इसका मतलब क्या हुआ जो हमारे वेंट्रिकल्स पार्ट है हार्ट के वो रिलैक्स हो चुके हैं डायस्टोल का मतलब क्या होता है बेटा रिलैक्स होना जब वो रिलैक्स हुए होंगे मैंने ये रफ डायग्राम बनाया बेटा ये वेंट्रिकल्स हैं। जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स हुए होंगे तो क्या हुआ होगा यहां से ब्लड यहां इस तरफ आने लग गया बेटा एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ और बाई और ट्राइकस्पिड वाल तो ओपन हो गए लेकिन जो अपने सेमिनुलर वॉल्स होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं क्लोज तो कह रहा है द वॉल ए जो ए वॉल है बेटा वो क्लोज हो गए तो कौन से वॉल क्लोज हुए सेमिनुलर वॉल बेटा तो ए में क्या आ गया सेमिनुलर वॉल वो क्या हो गए क्लोज हो गए दिस कॉसेस द सेकंड हार्ट साउंड जो सेकंड हार्ट साउंड है बेटा वो हमारे सेमिलूलर वॉल्स के क्लोज होने से प्रोड्यूस होता है बेटा जिसे हम क्या कहते हैं डब या डब साउंड प्रोड्यूस कहते हैं बेटा तो डब साउंड आ गया तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी अब बात ये आती है सर जब ये ध्यान देना बेटा ये अपना लेफ्ट यहां पर ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट ये राइट right एट्रियम ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट right वेंट्रिकल जो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होते हैं ये वाले इन्हें कहते हैं बाइकस्पिड वाल ठीक है और ये जो है बेटा इन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल बाइकस्पिड ये लिखा हो बेटा और ट्राई ये रहा अब बात ये आती है सर जो बाइकस्पिड स्पीड वॉल है बेटा उन्हीं को ही हम जो मिट्रल वॉल होते हैं बेटा वो भी कहते अंडरस्टैंड जब बाई ओर ट्राइकस्पिड वॉल जिसको हम एवी वॉल के नाम से भी जानते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जब वो क्लोज होते हैं तो उस समय हमारी हार्ट की फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम लब साउंड कहते हैं बेटा क्या कहते हैं लब साउंड ये फर्स्ट हार्ट साउंड है बेटा अंडरस्टैंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड इज टू प्रोड्यूस मिकल दैट हेल्प इन भाई मेन फंक्शन क्या है हमारा ब्लड प्लेटलेट ब्लड प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन है बेटा प्लेटलेट करता क्या है ये बताओ आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है ठीक है जो हमारे डब्ल्यू बी सी है बेटा वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं ठीक है इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रही हैं और प्लेटलेट्स जो होती हैं बेटा वो हमारे किस में हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर किस में हेल्प करते हैं बेटा ब्लड क्लोटिंग के अंदर तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है ठीक है जो भी यहां से बेटा क्या होगा जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिलीज होता है बेटा जो हमारी प्लेटलेट जब रप्चर होती है उस समय तो और वो हेल्प करता है हमारा जो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म है पाथ पाथवे है एक्सट्रेंसिक सॉरी इंट्रेंसिक प्लेटलेट है ना अंदर रहती है बेटा इंट्रेंसिक जो पाथवे बेटा उसको स्टार्ट कर देता है और हमारा जो ब्लड है वो क्लोट कर जाता है बेटा एक्सेस लॉस नहीं होता हमारा ब्लड का जब कभी चोट लगती है इंटरनल हो जाते हैं तो उसके अंदर बेटा तो क्या आ गया बेटा बाहर से जो भी पैथोजन सेंटर कर रहे हैं उससे बचाव करने के लिए बेटा तो ये नहीं आ सकता ओटू सेचुरेशन सेचुरेशन ओटू का तो कर ही नहीं सकते बेटा हीमोग्लोबिन सेचुरेशन हो सकता है लेकिन वो भी होता है बेटा एच बी का सेचुरेशन हुआ और एचबी कहां रहता है आरबीसी के अंदर तो ये भी नहीं आ सकता आयरन ट्रांसपोर्ट आयरन जो है बेटा ठीक है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो आयरन है वो भी आरबीसी के अंदर रहता है जो हिमोग्लोबिन है, है? तो ये भी नहीं रह सकता बेटा तो आंसर जो है बेटा वो आ गया अपना सेकेंड ओके हां बेटा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन थी मस्कुलर लेयर ऑफ वॉल लार्ज ल्यूमन एंड प्रेजेंस ऑफ वॉल ल्यूमन भी लार्ज है और वॉल्स भी प्रेजेंट है आधी फीचर्स ये किसकी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है क्या मिलते हैं जो वॉल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ल्यूमन लार्ज होता है जो वॉल होती है वो कैस, कैसी रहती है बेटा थिन रहती है आर्टरी के अंदर इससे जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज रहती है ठीक है और जो हमारी ब्लड कैप्लरी है बेटा उसके अंदर क्या होता है थिन मेमब्रेन तो है लेकिन वॉल प्रेजेंट नहीं है ये हमारे टिश्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है गैसेस या फूड का जो एक्सचेंज चलता है बेटा वो यहीं चलता है कैपिलरी के पास ठीक है तो ये भी नहीं तो आंसर जो है बेटा वो अपना क्या रहेगा वेन्स ठीक है जो है वो क्या है जो थिन है बेटा मस्कुलर वॉल हो गया ट्यूनिका मस्कुलर जो पार्ट है बेटा वो आ गया ठीक है तो यहां पर थिन रहता है ल्यूमन लार्ज रहेगा और वॉल प्रेजेंट अगर वॉल्स प्रेजेंट आ गए बेटा तो आपका आंसर हमेशा जो भी ब्लड वेसल की बात करेंगे वो किससे रिलेट हो जाए बेटा वेन से रिलेट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवनटीन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ विच हार्ट डिजीज फेफड़े का जो संकुलन हुआ बेटा वो किसकी वजह से हुआ बेटा ये कारण क्या होता है कि अगर हमारा हार्ट बेटा प्रोपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है तो हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनके पास सफिशियंट अमाउंट में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड बेटा वो नहीं पहुंच पाता है उसके कारण सबसे पहले हमारे जो लंग्स है बेटा वो अफेक्टेड होने लगते हैं यहां पर तो क्या रहता है बेटा हार्ट फेलियर आंसर क्या हो गया बेटा हार्ट फेलियर ठीक है कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या हुआ जो हार्ट बीट है बेटा वो स्टॉप हो गई ठीक है तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं एनसीआरटी की लाइन है ये भी नहीं आ सकता कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट की जो सेल्स हैं हार्ट का जो पार्ट है बेटा उसको ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी होती है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं उसके अंदर ब्लॉकेज जब हो जाता है बेटा तो उसे हम कैड या जो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं ठीक है, है? तो ये भी नहीं आ सकता पेरिकार्डिटिस ये क्या है जो पेरिकार्डियम मेम्रेन है बेटा उसके अंदर इंफेक्शन होने की वजह से वजह से क्या हुआ जो पेरिकार्डियल फ्लूड होता है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ठीक है पेरिकार्डियम में इंफेक्शन हुआ बेटा उसकी वजह से क्या हुआ पेरिकार्डियल फ्लूड बढ़ गया और इस कारण बस हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो ये भी नहीं आ सकता तो आंसर क्या होगा बेटा हार्ट फेलियर नेक्स्ट जो है वन हंड्रेड एटीन किडनीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस concentrated यूरिन concentrated यूरिन का प्रोडक्शन कर रहा है डिपेंड्स ऑन concentrated यूरिन प्रोडक्शन के लिए बेटा हम काउंटर करंट mechanism को होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या बेटा एक fluid अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म किस किस के बीच में चलता है बेटा एक तो हैंडले लूप हेनले लूप और दूसरा जो अपनी वासा रेक्टा है बेटा उसके अंदर हेनले लूप के अंदर जो हमारा रिनल फिल्ट्रेट है बेटा वो फ्लो करता है और वासा रेक्टा के अंदर क्या फ्लो करता है जो ब्लड होता है बेटा वो फ्लो करता है अंडरस्टैंड तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बेटा वो तो हर जगह चल रही है ये भी नहीं आ सकती कंसेंट्रेट करने में एक्टिव रिओब्जॉर्न ग्लूकोज ग्लूकोज का तो हमेशा एक्टिव रिओब्जॉप होता है बेटा अपने पीसीटी पार्ट के अंदर ही ठीक है ये भी नहीं आएगा काउंटर करंट जो प्रोसेस है मैकेनिज्म बेटा वो यूरिन को कंसंट्रेट करता है करेक्ट है ये हो गया, third, sodium, sodium का ही चलता है क्योंकि सोडियम का अमाउंट के अंदर ठीक है उसके लिए तो ये भी आंसर है नहीं रह सकता तो आंसर हो गया बेटा अपना थर्ड नेक्स्ट हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटीन इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी भाई

फ्राइटिस जो बेटा कुछ सोच जो है उसमें क्या होता है जो ग्लोमरलस पार्ट होता है बेटा उसके अंदर क्या हो जाती है इनफ्लामेशन हो जाती है तो ये भी नहीं रहेगा आंसर ये भी नहीं है बेटा रिनल कैलकुली रीनल कैलकुली का मतलब पथरी जिसको कहते हैं बेटा हम ठीक है यहां पर जो ऑक्सलेट्स होते हैं बेटा उनका फॉर्मेशन हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है रीनल कैलकुली हो जाती है बेटा तो ये भी नहीं रहेगा अपना आंसर तो आंसर क्या हो गया डायबिटीज मेलाइटस ठीक है तो आंसर हो गया बेटा सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 120. वन ऑफ ट्वेंटी फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेनियल बोन क्रेनियल ये बोन है बेटा यहां पर कौन कौन सी बोन आती हैं? फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ओसिपिटल स्पीनोइड और इथमोइड आई के अंदर बेटा आई है ना उसके पीछे की ओर दिखाई देती है इथमोइड बोन तो यहां पर कौन सी नहीं है नॉट ए क्रेनियल बोन बेटा स्वीनोइड होती है ये वाली बोन होगी बेटा ठीक है नेक्स्ट सेकेंड जाइगोमेटिक जायगोमेटिक जो बोन है बेटा जिसको हम चिक बोन कहते हैं ये वाली चिक बोन ये फेशियल के अंदर आती है ये कौन सी बोन है फेशियल ठीक है बेटा फेशियल बोन होती है ड भी रहेगी जो अपनी पेराइटल है बेटा वो भी रहती है यहां पर ठीक है करेक्ट हो गया जो फेशियल बोन है वो फोर्टीन रहती है बेटा ये कितनी है एट इन नंबर ओके तो आंसर जो है बेटा अपना हो गया सेकंड जयगोमेटिक बोन जो क्या है हमारी कपाली अस्थि में नहीं आती है नेक्स्ट 121 ट्वेंटी वन ड्यूरिंग नर्व इंपर्स कंडक्शन नर्व इंपल्स का कंडक्शन बेटा उस समय एक्शन पोटेंशियल ऑन एक्सोलिमा इट मींस एक्सोलिमा पर एक्शन पोटेंशियल है इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा न्यूरॉन है बेटा वो किस फॉर्म में है डीपोलराइज्ड स्टेट में है बेटा किस स्टेट में है डीपोलराइज्ड इज मेंटेन्ड बाय डीपोलराइजेशन के समय सोडियम का इन्फ्लेक्स होता है तो सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है बेटा क्या कंडीशन है बेटा ये डीपोलराइज्ड स्टेट को शो कर रहे इस समय जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है बेटा वो क्या रहते हैं ओपन और बाकी जितने भी हम चैनल्स पढ़ेंगे भले वो सोडियम पोटाशियम पंप हो बेटा या पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो वो सभी क्या रहेंगे क्लोज रहते हैं ठीक है तो इस समय देखते हैं गेट्स ऑफ पोटासियम चैनल डू नॉट ओपन सही है भाई ओपन नहीं रहते उस समय क्या रहते हैं क्लोज रहते हैं तो स्टेटमेंट तो ये एकदम करेक्ट आ रही बेटा इसके अकॉर्डिंग ठीक है नेक्स्ट गेट्स ऑफ सोडियम चैनल डू नॉट ओपन नहीं कंडीशन है तो ओपन रहेंगे बेटा तो ये तो नहीं आ सकता नॉट ओपन कह दिया गेट्स ऑफ के प्लस पोटेशियम चैनल डू नॉट क्लोज डू नॉट क्लोज लेकिन बात यह है बेटा वो तो क्लोज रहते हैं डू नॉट क्लोज इस मीन वो ओपन की बात कर रहा है ओपन तो नहीं रहते ओपन केवल एक ही चैनल होता है डीपोलराइजेशन के समय वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट सोडियम पंप डू नॉट स्टॉप देयर फंक्शन नहीं बेटा वो बंद हो जाता है अपना काम नहीं करता है बेटा सोडियम पोटासियम पंप तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हो गया अपना फर्स्ट बेटा 121 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है

वो जो भी इफेक्टर ऑर्गन उसके पास लेके जाएंगे तो ये पाथ भी बन गया इसे रिफ्लेक्स आर्क है देते हैं तो ये भी नहीं आ सकता तो आंसर हो गया अपना बेटा जो कंपाउंड बेटा हमारी आई के अंदर वो रोडोप्सिन होता है ऑप्शिन और जो अपना रेटिनल है बेटा उससे बना होता है अब ऑप्सिन जो है वो तो है प्रोटीन करेक्ट और रेटिनल जो है केमिस्ट्री से रिलेट रे करो एल आ गया तो एलडीआईड तो रेटिनल क्या होगा बेटा एल ग्रुप होता है तो आंसर तो सही है फर्स्ट आ गया बेटा रोडोप्सिन के लिए ओके नेक्स्ट रोडोप्सिन एंड आइडोपिन रोडोप्सिन तो खुद एक फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है बेटा अपना आइडोपसिन है वो भी वो कलर विजन में हेल्प करता है ठीक है तो ये नहीं आ सकता बेटा ठीक है मेडअप की बात की यहां पर बना किससे होता है कौन कौन से हैं वो नहीं किससे बना है बेटा उसकी बात की गई है तो इसलिए फर्स्ट आंसर आ रहा है ये हमारे जो हम गाजर खाते हैं या जितने भी ग्रीन बेटा उनमें प्रेजेंट होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है जो अपना रेटिनोल है विटामिन ए उसमें और रेटिनोल बेटा बाद में किसमें जो अपना रेटिनल होता है उसमें चेंज हो जाता है ठीक है तो यहां पर यह भी नहीं आ सकता सर इनकरेक्ट रेटिनल एल डी आइड है रोडोप्सिन पिगमेंट पूरा पिगमेंट ही दे दिया बेटा यह भी इनकरेक्ट हो गया तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट बच्चे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, ट्वेंटी फोर द स्पेस विद इन कोकलिया कोकलिया के अंदर स्पेस है बेटा सही है कॉल्ड स्केला मीडिया अब उसको कह दिया स्केला मीडिया बीच वाला पार्ट की बात कर रहा है बेटा स्केला वेस्टिबुली मीडिया और सबसे नीचे वाला जो होता है स्केला टिम्पेनी बेटा अब स्केला मीडिया इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड अब स्केला मीडिया के अंदर ही बेटा केवल एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है तो आंसर आ गया एंडोलिम्फ बाकी जो बोनी लेब्रिंथ पार्ट आ गया बेटा स्केला वेस्टिबुली आ गया स्केला टिम्पेनी आ गया उन सभी के अंदर क्या फील्ड रहता जो अपना है, वो भरा होता है तो अपना जो आंसर है, है प्लाज्मा नहीं रहता वो तो सेल के अंदर रहता है वो तो हर सेल में मिलता है बेटा सॉरी प्लाज्मा जो है वो ब्लड के अंदर रहता है बेटा और सेल के अंदर की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म सॉरी बच्चे क्या रहता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ठीक है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा तो ये भी नहीं आ सकता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 दी फिल दी द ब्लैंक ए एंड बी आर दी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ दी वेस्टिबुलर अपरेटस Vestibular apparatus. Vestibular apparatus का काम क्या बेटा करवाना. अब अब इसके अंदर A और B में क्या रहेगा बेटा? पर ये ध्यान रखे, यहां दो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो डक्ट है बेटा कैनाल है वो आ गई इनका जो स्वेलन पार्ट है बेटा एम्फुला उसके पास क्या मिलते हैं एम क्रिस्टा पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो रोटेशनल एक्सिलेशन है बेटा उसको रेगुलेट करते हैं तो एक तो हो गया क्रिस्टा ए में तो और बी में जो पार्ट है क्या होता है अपना जो ऑर्गन है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं बेटा यूट्रिकल एंड सेकुली यूट्रिकल और सेकुली के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा ठीक है और उसे हम क्या कहते हैं मैकुला, ठीक है जो मैकुला है बेटा वो हमारे लीनियर एक्सिलेशन को रेगुलेट करता है ठीक है तो ए में रहेगा क्रिस्टा और बी में मैकुला, तो आंसर आ गया बेटा फर्स्ट जिनके पास रिसेप्टर है बेटा इन दोनों के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी बेटा ये विजन का काम करता है ऑटोलिथ जो है बेटा उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है जिनके पास ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मैकुला के पास कोकलिया नहीं आ सकता बेटा ये भी नहीं रहेगा क्रिस्टा पार्ट आ सकता था कोक्लिया नहीं, क्योंकि कोक्लिया जो पार्ट है काम कर रहा है उस समय ठीक है ये भी नहीं रहेगा टिम्पेनी नहीं आ सकता क्योंकि ये ड्रम को कहते हैं तो ये भी आंसर नहीं आंसर हो गया अपना फर्स्ट बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सोमेटोस्टेटीन सोमेटोस्टेटिन क्या बेटा ग्रोथ इनहिबिट्रो हॉर्मोन को कहते हैं ग्रोथ इनहिबिट्रो हॉर्मोन जो होता है बेटा ग्रोथ को रोकने वाला हॉर्मोन फ्रॉम दी हाइपोथेलमस से रिलीज हो रहा है ठीक है जीएचआईएच भी कह देते हैं ग्रोथ हॉर्मोन इनिबिट्री हॉर्मोन के नाम से जानते हैं सोमेटोस्टेटिन को अब सोमेटोस्टेटिन जो है बेटा क्या करेगा ग्रोथ हॉर्मोन के प्रोडक्शन को रोक देगा इनहिबिट करेगा तो यहां स्टेटमेंट देखते हैं

रिलीज ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन ग्रोथ हॉर्मोन का जो स्टूमेशन हो बेटा जी एच आर एच होता है, hormone, hormone करवाता है ये, तो जी एन आर एच आएगा बेटा वो एंटीरियर पिटिट्री को एक्टिवेट करेगा और एल एच और एफ एस एस बेटा वो अपने पिटिट्री है उसे रिलीज करवा देता है तो ये भी नहीं रहेगा आंसर हो गया फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 ट्वेंटी सेवन दॉर्मोस दट कंट्रोल दॉलिजम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ वेस्टल मेटाबोलिक रेट अब मेरे को यह बताओ बीएमआर हम एक ही जगह याद रखते हैं हमेशा फिक्स बहुत बार क्वेश्चन आता है बी एमआर से तो बीएमआर जहां भी दिखे तो अपना जो थायराइड ग्लैंड है बेटा उसके हॉर्मोन जो थायरोक्सिन हॉर्मोन है उससे रिलेट हो जाता है बेटा तो यहां पर क्या है उससे रिलीज होता है तो यहां देखते हैं थारॉयड हॉर्मोन फर्स्ट आ गया बेटा मेनली आंसर तो एडिनो कोर्टिको जो एडिनो कोर्टिकॉइड होते हैं बेटा ठीक है एडर्नल कोर्टेक्स पार्ट से रिलीज होते हैं बेटा जो क्या क्या करते हैं बेटा ग्लूकोज जो है उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ठीक है जो हमारे आइंस है बॉडी के अंदर उनके लेवल को मेंटेन करते हैं दूसरा यहां से बेटा एक एंड्रोजन हार्मोन भी रिलीज होता है तो ये भी नहीं आ सकता एंटीरियर जो सॉरी पिट्यूटरी पिटविटरी है पिट्यूटरी से तो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बेटा ठीक है अलग अलग जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प है, करते हैं थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं बेटा थायराइड ग्लैंड को हमारे जो गोनेड्स हैं उनको स्टूमुलेट करते हैं ठीक है तो बाकी हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं बहुत सारे हैं जो रिलीज होते हैं तो इसका रिलेशन बेटा मेटाबोलिज्म से नहीं आ रहा है पैराथायरोड हॉर्मोन जो पीटीएच है, है ही नहीं क्योंकि पीटीएच हॉर्मोन का रिलेशन कैल्शियम से रहता है बेटा ठीक है जो कैल्शियम होता है उससे रिलेशन है ये अपना जो कैल्सटोनिन होता है ना थारोल्सिटोनिन बेटा उसका जस्ट एंटागोनास्टिक होता है पीटीएच जिसको हम कोलिप्स हॉर्मोन भी जानते हैं तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट क्या बेटा क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट में स्ट्रक्चर कनेक्ट दी फिटस टू प्लेसेंटा बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ता बेटा ये हमारा अगर हम बात करें मैं एक रफ सी डायग्राम बना देता हूं बेटा स्ट्रक्चर जो है बेटा यहां से अटैच है इसके ठीक है ये जो अटैच स्ट्रक्चर है बेटा ये वाली जो पार्ट है जो मैंने बनाया बेटा ये होती है एम्ब्लिकल कोड और एम्बलिकल कोड के साथ यहां पर एम्बलिकल कोड के साथ जो जुड़ा है बेटा वो क्या जुड़ा है प्लेसेंटा ठीक है बच्चे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये वाला ये प्लेसेंटल पार्ट हो गया बेटा ये प्लेसेंटल पार्ट आ गया ठीक है तो ये अम्बिलिकल कोड हो गया ये प्लेसेंटल पार्ट हो गया बेटा ये मैंने डक्ट दिखाई लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे रहता है बेटा इस तरह से तो एम्ब्लिकल कोड जो है बेटा वो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू मदर के साथ अटैच करता है और एम्बलिकल कॉर्ड के अंदर केवल और केवल हंड्रेड परसेंट फिटस का ही ब्लड रहता है और प्लेसेंटल जो पार्ट है बेटा पर 50 है उसका ब्लड रहता है यहां पर ठीक है डेसिडुआ डेसिडुआ नहीं आ सकता बेटा डेडियस तो नेचर हो गया बेटा किस तरह से वो प्लेसेंटा के साथ अटैच हो रखा प्लेसेंटा हमारे पार्ट के साथ ठीक है।, है तो ये भी नहीं आ सकता ड भी नहीं आ सकती तो फीटस प्लेसेंटा के साथ किससे जुड़ा बेटा एम्ब्लिकल कोड के थ्रू तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट बच्चे नेक्स्ट वन ट्वेंटी नाइन आफ्टर ओवोल्यूशन ओवल्यूशन के बाद की बात कर रहे हैं द ब्रोकन पीस ऑफ ग्रेफिन फोलिकल रीऑर्गेनाइज भाई भाई जो ग्रेफिन फोलिकल था वो जैसे रप्चर हुआ तो सेकेंडरी साइड तो रिलीज हो गया जो उसका खोल बच गया जो उसकी कवरिंग बच गई बेटा उसकी बात कर रहे हैं एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है क्योंकि जो हमारा ल्यूटियम है, है, है तो यहां पर आंसर तो क्या आ गया कोर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का ठीक है तो आंसर क्या हो गया कोर्पस ल्यूटियम Corpus callosum. Corpus callosum क्या होता है बेटा होती हैं ठीक है न्यूर प्लेट बनी है जो हमारे लेफ्ट और राइट right उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का होता है, और यह कन्वर्ट हो जाता है वाइट बॉडी के अंदर उसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं यह भी नहीं कॉर्पस पंजीसम कोर्पस पंजिसम जो है बेटा वो पेनिस जो होता है ठीक है उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा ये इरेक्टाइल एक टिश्यू है ठीक है तो ये भी नहीं आएगा बेटा ये पेनिस के अंदर आ गया तो आंसर क्या होगा कॉर्पस ल्यूटियम बेटा नेक्स्ट 130 थर्टी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ए आई एम्प्लॉय जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा कृत्रिम वीर सेचन में प्रयुक्त है वो किस में भाई हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो प्रोसेस है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करवाते हैं इट मीनस जो पेनिस है बेटा उसके अंदर इरेक्टाइल होने की जो क्षमता है जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा बेटा तो अगर वो इरेक्ट नहीं होगा तो जो सीमेन है बेटा उसका फीमेल की वेजाइनल पार्ट में इंसेमिनेशन नहीं कर पाएगा उस समय हम ए का यूज करते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू हेल्प से हम जो मेल है उसका जो सीमेन है या डोनर का सीमेन जो है वो फीमेल के ठीक है वेजाइनल या जो यूट्राइन पार्ट है उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ठीक है बेटा तो नो no फर्टिलाइजेशन भाई फर्टिलाइजेशन तो होगा ना उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जो है वो तो होगा लेकिन क्या होगा इन विवो विद इन बॉडी भाई यहां पर जो सीमेन है उसमें स्पम है वही तो इंजेक्ट किया है फीमेल की बॉडी बेटा ठीक है डिपोजिट किया ठीक है किसी डिवाइस की हेल्प से लेकिन अब वो सो स्पम है बेटा वो मूव करता हुआ एम्फुला पार्ट के पास जाएगा और वहां पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन क्या होगा फीमेल की बॉडी के अंदर तो इन इनवीवोई फर्टिलाइजेशन हुआ इन विट्रो नहीं होगा बेटा बाहर नहीं करते हैं जो लैब कंडीशन है कल्चरल है बेटा उसके अंदर नहीं करते हैं ठीक है टेस्ट ट्यूब टेस्टी फॉर्मेशन करते हैं जिफ्ट जयगोट इंट्राफिलोपिन ट्रांसफर जिफ्ट के अंदर बेटा जो जायोट बनाया वो बाहर लैब कंडीशन में बनाया जाता है बेटा पहले जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर किया जा रहा है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता बेटा तो ये भी नहीं आ सकता ठीक है जाइगोट इंट्राफलोपन ट्रांसफर तो आंसर जो है बेटा अपना कौन सा हो गया सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर थर्टी वन प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउविंग भाई अगर जो प्रोजेस्ट्रॉनिक हार्मोन की जो पिल्स होती है बेटा जब वो इनटेक करती है फीमेल तो उसकी जो ओवल्यूशन प्रोसेस है बेटा वो इंपेयर हो जाती है ओवल्यूशन नहीं हो पाता बेटा ओवल्यूशन है जब ओजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो आंसर आ गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन रुकेगा फर्टिलाइजेशन तो एक प्रोसेस है बेटा इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा बैरियर मेथड हो गया ठीक है नेचुरल मेथड्स हो गए वो आ सकते हैं उसके अलावा जो हमारी क्रॉपर्टी है वो यूज कर लेते हैं वो भी रोकता है तो ये भी नहीं रहेगा इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या कह दिया कि इम्प्लांटेशन कब होगा बेटा फर्टिलाइजेशन हो चुका है बहुत सारी पिल्स आते हैं जैसे अनवांटेड सेवनटी बेटा बता लगा फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन इम्प्लांटेशन को रोक देगा बेटा वो ठीक है तो वो भी नहीं आएगा स्वम मूवमेंट स्वम मूवमेंट को स्टॉप करना मतलब स्वम की स्विमिंग पावर को कम कर दो जो फ्लूड्स होते हैं बेटा जो उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के जो फॉर्म्स और लिक्विड्स यूज किए जाते हैं ठीक है दीके? उनकी हेल्प से हो जाता है बेटा ये उसके अलावा जो कॉपर टी है बेटा वो जो कॉपर रिलीज करता है वो भी स्पम की जो स्विमिंग पावर है मोटिलिटी पावर है उसको कम कर देता है तो ये भी नहीं रहेगा तो आंसर क्या होगा अपना फर्स्ट बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू प्रीवियस क्वेश्चन वन थर्टी वन के बाद आया बेटा वन थर्टी टू टोटल ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर अलील इन ए पॉपुलेशन भाई जितने भी जीन्स थे जितने भी अलील थे एक पॉपुलेशन में उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है बेटा उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाता है ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेटा क्या कहलाता है जीन पूल आंसर हो गया फर्स्ट जीन फ्लो इट माइग्रेशन ऑफ जीन एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन्स का फ्लो होना बेटा ये नहीं आ सकता जीन रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की जब होता है बेटा तो एक पार्ट दूसरे के पास चला गया नॉनसिस्ट जो थी बेटा उसके पास तो उससे जो भी नेक्स्ट आएगा बेटा जो भी क्रोमोशोम बनेगा जो सीमेंट प्रोड्यूस होगा स्पम्प जो बनेगा ओवा बनेगा वो कैसा होगा बेटा रिकम्बिनेट टाइप का तो वो जीन रिकम्बिनेशन होटा अलग अलग जीन्स आपस में जुड़ गए जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ आ नहीं सकता यहां पर आंसर में तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बेटा बेटा वो होता क्या है 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 जो 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 छोटी पॉपुलेशन पॉपुलेशन होती स्मॉल में में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ दलिक्वेंसी स्मॉल पॉपुलेशन छोटी सी पॉपुलेशन में जो अलिलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया उसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं बेटा ठीक है तो आंसर हो गया फर्स्ट बेटा जीन पूल नेक्स्ट वन थर्टी थ्री

नॉन इनहेरिटेड नहीं हो सकता बेटा ठीक है एक्वायर्ड एक्वायर्ड आते हैं इसके अंदर दूसरा जो हमने अपने समय में समझा जैसे आइंस्टाइन ये समझ लो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो जरूरी नहीं उसके बच्चे भी बेटा उतनी बुद्धिमान हो ठीक है तो वो क्या है वो सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर करेक्टर बेटा एक्वायर्ड क्या था ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव नहीं हो सकता बेटा ठीक है रूपांतरण तो हो ही नहीं सकता एकदम अलग से ठीक है तो ये भी नहीं आ सकता बेटा तो आंसर क्या होगा बेटा हेरिटेबल एंड जेनेटिक ट्रेड रहता है बेटा इसकी एबिलिटी की वजह से एडेप्टेशन शो कर रहा है बेटा नेक्स्ट वन थर्टी फोर मिनट वन थर्टी फोर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन एलिमिनेट कर रहे हैं बेटा हटा रहे हैं मतलब एकदम से विलुप्त हो गया ये समझ लो किससे छोटी पॉपुलेशन से ऑफ वो किसको है? अभी अभी मैंने बताया जेनेटिक ड्रिफ्ट बेटा स्मॉल पॉपुलेशन में अचानक से एकदम सडन अगर चेंज आ गया उसके या जीन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन चेंज इन दिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन होना जरूरी बेटा तो आंसर तो आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट सर सिलेक्शन प्रसर क्या बेटा नेचर बेटा जो सेलेक्ट करती है जो एकदम फिट होता है उसी को सेलेक्ट करे बेटा वही होता है सेलेक्शन प्रेशर चेंज करने का जो दबाव है बेटा उसकी बात स्पीशिएशन स्पीशिएशन एक प्रोसेस बेटा जिसमें नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है पहले से उपस्थित जो पहले से प्रेजेंट स्पीशीज है उससे ठीक है तो ये भी नहीं रहेगा एडेप्टन एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडेप्ट करना बेटा ठीक है तो वो आ गया तो ये भी नहीं हो सकता तो आंसर हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट बच्चे वन थर्टी फाइव रेस्पायरेटरी डिजीज नेवर एफेक्ट लंग्स भाई ऐसी डिजीज बताओ रेस्पायरेटरी जो लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रही है टीबी लंग्स को इफेक्ट करता बेटा फ्लू वो भी करता है निमोनिया निमोनिया भी करता है कॉमन कोल्ड नहीं करता बेटा ये रेस्पायरेटरी ट्रैक जो है बेटा उसी को करता है खराश और ये सब हो जाता है बेटा में ठीक है राइनो जो होता राइनोवाइरसा ग्रुप उससे होता ही तो क्या हो गया अपना फोर्थ बच्चे हाँ बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 136. 136 क्वेश्चन नंबर इन फिफ्टीन में से केवल अपने को दस ही करने बेटा ठीक है वही मार्क्स का पैटर्न वही रहेगा करेक्ट है तो फोर और अगर इन करेक्ट कर माइनस वन तो तो हो जाएगा ठीक है नहीं अटेम्प्ट किया तो जीरो कोई इन मार्क्स नहीं करते बेटा तो याद रखना 15 में से अब 10 ही क्वेश्चन करने अपने को तो क्वेश्चन नंबर 136 जो है फिश यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो मॉस्किटो का कंट्रोल करना है इट मींस उसकी लार्वा स्टेज को क्या करना है बेटा खा जाती हैं कुछ मछलियां होती हैं जिसमें स्पेसिफिक मॉस्किटो ईटिंग फिश के नाम से जाने जाती है गंबूसिया बेटा ये हमारी जो एनसीईआरटी है चैप्टर जो है अपना Human health and disease उसके अंदर लिखा गया बेटा गंभी ठीक है तो ये आ जाता है तो आंसर क्या हो गया बेटा ये डायरेक्ट है आपको याद रहना चाहिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप इन एफ टू ऑफ स्विंग क्या कह रहे हैं प्रपोर्स ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप फिनोटाइप की बात की बेटा ऑफ एफ टू ऑफ स्विंग इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस तो पेरेंटल जो करेक्टर है बेटा फिनोटाइप कौन कौन से हैं? एक तो है यहां पर अगर जो एनसीआर का क्रॉस देखते हैं सीड वाला सीड कलर एंड सीड तो राउंड येलो राउंड सीड और दूसरा पेरेंटल करैक्टर है बेटा ग्रीन रिंकल्ड तो आपने रेशियो देखा होगा बेटा आप ये वाला रेशियो याद रखते हो नाइन थ्री थ्री वन ये जो है ये तो येलो एंड राउंड रहता है और ये ये जो सर्कल के बेटा वो ग्रीन और रिंकल्ड के लिए यूज करते हैं यहां जो आता है बेटा वो ये आ गया येलो रिंकल्ड और ये आ गया ग्रीन राउंड के लिए बेटा ठीक है तो पेरेंटल कौन कौन से बेटा ये नाइन और ये वन टेन हो गए पेरेंटल टाइप और रिकम्बिनेट टाइप कितने हैं सिक्स ये क्या है रिकम्बिनेट टाइप बेटा और यहां पर अपने से क्या पूछा है पेरेंटल टाइप कितने तो पेरेंटल कितने हो गए बेटा टेन पेरेंटल टाइप कितने हुए गए पेरेंटल जो टाइप है बेटा ऑफ स्प्रिंग एफ टू में दस हैं टोटल कितने हैं तो अपन उनको प्रोपोर्शन देखना है तो टेन बाई सिक्सटीन बेटा प्रोपोर्शन क्या हो गया टेन बाई बेटा थर्ड में लिखा है तो आंसर हो गया थर्ड कई बार क्या होता है इसको काट दिया गया और लिख दिया फाइव बाई एट ठीक है ऐसे ही रिकम्बिनेंट का अगर पूछ ले बेटा आंसर पता लग गया और अगर रिकम्बिनेंट का पूछ ले तो क्या रहेगा प्रपोर्शन सिक्स बाई 16. इसको कट करेंगे बेटा उसके अनुसार आ जाएगा डन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा इसका आंसर हो गया थर्ड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वन थर्टी एट क्या कह रहे हैं इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ विच रिस्पॉन्स आफ्टर वैक्सीनेशन प्रोसेस भाई मेमोरी रिस्पॉन्स कर रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन जब वैक्सीनेशन किया गया बेटा तो पहली बार जो भी हम कोरोना का वैक्सीन लगवाते हैं तो उस वैक्सीन के अंदर क्या बेटा कोरोना का जो वायरस है उसको किल या एटोनिवेट करके डाला गया है बेटा तो फर्स्ट रिस्पॉन्स शो करती बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेगी हमारी बॉडी तो क्या रहेगा बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स रहेगा उसका प्रोडक्शन हो बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तो अगर हम देखें टेबल की फॉर्म में तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कम रहता है जैसे ही हम सेकेंड डोज लगाएंगे तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा बेटा ये प्राइमरी रिस्पॉन्स और ये सेकेंडरी इम्यून तो इस समय समय प्राइमरी इम्यून के 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 बेटा बेटा हमारी बॉडी अंदर क्या क्या है उस पैथोजन अगेंस्ट बन जाती मेमोरीज डेवलप हो जाती हैं एंटीबॉडीज भी बनने लग जाती हैं ठीक है तो क्या रहा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी तो बाद में आएगा जब सेकेंड टाइम आएगा बेटा पैसिव इम्यूनाइजेशन पैसिव का मतलब क्या होता है बेटा हमने एंटीबॉडीज ही इंसर्ट कर दी किसी बॉडी के अंदर बेटा ठीक है तो एंटीबॉडी नहीं दे रहे बेटा यहां पर वैक्सीनेशन में यहां क्या दे रहे हैं हम इस वैक्सीनेशन की बात करें मोस्टली जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसके अंदर क्या देते हैं हम जो भी पैथोजन है उसको डिसहार्म किल्ड या एटीनुवेट करके इंजेक्ट करते हैं बेटा तो ये भी नहीं रहेगा इनहेट इम्यूनिटी इनहेट क्या बेटा जन्म से ही जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बेटा जैसे स्किन हो गया जितने भी हमारे सिक्रीशंस हैं सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रही हैं बेटा ठीक है बाकी जो साइटोकाइंस हैं वो सब आ गए बेटा तो ये भी नहीं आ सकता तो आंसर हो गया अपना सेकंड बच्चे नेक्स्ट 139 क्या कह रहा है व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग भाई इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है किसका इनब्रीडिंग का बेटा जो अंत प्रजनन है उसका फर्स्ट

इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को शो करता है बेटा ये किस को शो करता है अगर रिडक्शन दिखा रहे हैं केवल रिडक्शन जितना मैंने बॉक्स में किया, ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन दिखा रहा है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को शो करता है और इसको हम हटाने के लिए बेटा ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं जो आउटक्रोस है बेटा उसका यूज करते हैं ठीक है तो ये भी नहीं आ सकता सॉरी ये गलत हो गया स्टेटमेंट नेक्स्ट कर रहा है अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स हाँ सुपीरियर से को सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं को हम रखते हैं, Accumulate हो हैं, होते जाते तो ये करेक्ट पूछा तो आंसर तो क्या आ थर्ड बेटा ठीक है नेक्स्ट 140, एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन इन बेटा एक्सेसिव डोज अगर लेते हैं तो एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखा है बेटा

वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या बेटा एंटीबॉडीज दी गई हैं बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट करती है बॉडी के अंदर हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज नहीं बनाई बेटा ठीक है याद रखना तो यहां पर क्या आएगा कोलेस्ट्रॉम कोलेस्ट्रॉम के अंदर बेटा आई ए रहता है एंटीबॉडी है तो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है करेक्ट नोट वाला देखना अपने को जो नहीं कर रहा है बेटा ये ध्यान रखना ओरल पोलियो वैक्सीनेशन ओरल पोलियो जो वैक्सीनेशन है बेटा उसमें क्या होता है जो अपने जो पोलियो वायरस है, है, वो होता है, ठीक है और वो क्या होता है बेटा ओरली दो बूंद पोलियो की आता है ना वो आता है बेटा उसमें क्या एटेन्यूएटेड पैथोजन है अब पैथोजन करके दिया बेटा तो वो हमारे शरीर के अंदर गया और हमारे बॉडी ने ही एंटीबॉडीज डेवलप की तो ये किस तरह की इम्यूनिटी को शो करेगा बेटा एक्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी को शो करता है बेटा तो ये इनकरेक्ट हो गया इसके संदर्भ में विनम इंजेक्शन सांप ने काट लिया इंजेक्शन लगवाया तो उसमें क्या बेटा एंटीटॉक्सोइड्स होते हैं उस सांप के जहर को कम करने वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और एंटीबॉडी प्रेजेंट है बेटा तो पैसिव इम्यूनिटी हो गया ठीक है एंटी टेटनस से टेटनस लोहे की चीज से लग गया बेटा कोलेस्ट्रोडम टेटनी टेटनस न कर दे उस वजह से हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं उसके अंदर भी जो क्या होती है बेटा टेटनस न हो उसके लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है तो वो भी पैसिव में आ गया तो इनकरेक्ट पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है पोलियो वैक्सीन वाला बेटा तो आंसर क्या आंसर होगा बेटा अपना सेकेंड नेक्स्ट वन फोर्टी टू बेटा कॉन्टैक्ट इनइिशन कॉन्टेक्ट इनइिशन इज दी प्रॉपर्टी शोन बाई कॉन्टेक्ट इन का मतलब क्या है कि एक सेल अगर डिवाइड कर रही है जैसे ही वो सेल किसी दूसरी सेल के कॉन्टेक्ट में आएगी बेटा वो अपने डिवीजन को रोक देगी ये तो जनरल प्रॉपर्टी है बेटा सेल की सेल कितना ग्रो करेगी बेटा उतना ही ग्रो करेगी जितना उसको ग्रो करना है जैसे ही दूसरी सेल के कॉन्टेक्ट में आएगी बेटा तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देती है तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट इनिवेशन ये तो नॉर्मल सेल जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा अगर इसका लॉस हो गया तो क्या होगा ट्यूमर काज हो जाता है बेटा ठीक है अगर वो ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहा है मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो वो कैंसर काज हो जाता है बेटा ठीक है तो क्या होगा ओनली नॉर्मल सेल शो करेंगे बेटा कैंसर नहीं सक, कर सकता दोनों नहीं करता स्पम भी नहीं करता जो बेटा वो भी शो नहीं करते हैं बेटा इसको ठीक है प्रोडक्शन होता रहता है ओके okay? तो आंसर क्या रहेगा बेटा अपना केवल नॉर्मल सेल है बेटा वो कॉन्टेक्ट इनिबिशन को शो करती है फर्स्ट आंसर 143 फोर्टी थ्री एनेडोट्रोपिन हॉर्मोन हॉर्मोन टे लूटियम जो कॉर्पस लूटियम को क्या कर रहे हैं बेटा मेंटेन कर रहा है बट विच इज नॉट सीडाट्री जो इंटीरियर पीटरी उससे रिलीज नहीं हो रहा है तो वो जो हॉर्मोन है बेटा वो कौन सा रहता है अपना एच सी जी एच सीजी का प्रोडक्शन जो हमारा ब्लास्टूला है उसकी जो ट्रोपोब्लास्ट है बेटा वो प्रोड्यूस करती है कौन ट्रोपोब्लास्ट है? एचपीएल का प्रोडक्शन भी करती है ठीक है तो ये क्या करेगा बेटा एल की तरह जो अपना है उसकी तरह काम करता है गोनेडोट्रोपिन के अंदर उस तरह काम करेगा और अपना जो हॉर्मोन है उनका प्रोडक्शन कराएगा और जो प्रॉपर्टी है बेटा प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है एचपीएल जो है बेटा वो क्या कराएगा एचपीएल हॉर्मोन जो होता है बेटा वो मेनली अपनी प्रेग्नेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करने में सहायता करता है एल एच और एफ एस एच आ ही नहीं सकता ठीक है तो प्रोडक्शन तो यहां से हो बेटा लेकिन बात कर रहे गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन की तरह काम करना है तो वो केवल कौन सा करेगा एच सी जी करता है बेटा ठीक है एचपीएल नहीं करता है नेक्स्ट वन फोर्टी फोर विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर एफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भाई कौन सा ऐसा इनमें से फैक्टर है जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के जो फैक्टर्स हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले लार्ज पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग होना चाहिए ठीक है नो म्यूटेशन नो माइग्रेशन नो नेचुरल सिलेक्शन नो जेनेटिक ड्रिफ्ट ये सब नहीं होना चाहिए बेटा उसके अंदर तो ये प्रॉपर्टीज हैं उसके फैक्टर्स हैं जिनको लिया गया था आप देखते हैं कौन कौन से गलत है बेटा रैंडम मेटिंग होना चाहिए लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए एबसेंस ऑफ म्यूटेशन

इक्वल टू वन ठीक है बाइनोमियल के फॉर्म में देखते हैं तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ तो पी स्क्र प्लस क्यू स्केर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन ये रहता है ओके okay? तो आंसर जो आ बेटा अपना फोर्थ हो गया इसका वन फोर्टी फाइव क्या कह रहे कैल्शियम आयन प्ले इंपोर्टेंट रोल इन भाई कैल्शियम आयन किस किस में हेल्प करते हैं ब्लड

तो इसके लिए भी करेक्ट बेटा मसल में करता है बोन फॉर्मेशन बोन के लिए तो जरूरी है सर बोन में तो कैल्शियम सबसे अधिक प्रेजेंट होता है तो क्या हो गया अपना आंसर आंसर ऑल ऑफ अबो लास्ट फोर्थ हो गया बेटा इसका नेक्स्ट सिक्स इन ए सार्कोमियर यूनिट देंट्रल पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट नोट ओवरलैप बाई थिन फिलामेंट कॉल्ड जिसको हम एच जोन के नाम से जानते हैं बेटा ये समझिए ये? ये अपना जेड हो होगी इसके अंदर ये थिन फिलामेंट हो गए ठीक है और ये अपना थिक फिलामेंट आ गया जिसको मायोसिन फिलामेंट कहते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये अपना आई बैंड हो गया और ये जो पोर्शन आया बेटा ये ए बैंड हो गया ये भी आई बैंड हो गया और ये जो पार्ट है बेटा इन दोनों के बीच का है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम एच जोन कहते हैं और वो इसी की बात कर रहा है बेटा यहां पर ये हमारी जेड लाइन हो गई और इसके बीच में जो लाइन आती है बेटा ऐसे डोटी डोटी रहती है वो एम लाइन हो जाती है ठीक है तो आंसर क्या होगा बेटा अपना एच जोन सेकेंड आंसर हो जाता है इसके साथ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन

ओपनिंग नहीं कराएगा बेटा रिलैक्सेशन भी नहीं होगा तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट बेटा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है क्रॉस ब्रिज जो है बेटा उसके अंदर मायोसिन का हेड पार्ट मेनली प्रेजेंट होता है नेक्स्ट 148 द पार्ट ऑफ पिटविट्री ग्लैंड विच नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन जो हॉर्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है बेटा बट स्टोर एंड रिलीज टू हाइपोथेलमिक हॉर्मोन जो दो हाइपोथेलमस हॉर्मोन है बेटा एक तो हो गया एडीएच एंटी एंटीडायोरेटिक हॉर्मोन जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं और दूसरा ऑक्सीटोसिन ठीक है ये दोनों हार्मोन बेटा हाइपोथैलेमस में बनते हैं और स्टोर होते हैं अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में उस जब क्या कहते हैं बेटा पार्स नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं पार्स नर्वोसा जो उसका पार्ट है ना उसके अंदर स्टोर हो जाता है बेटा ठीक है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा जो नाम है बेटा उसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं तो ये पार्स डिस्टेलिस नहीं आ सकता एंटीरियर प्यूट्री पार्स इंटरमीडिएट के बीच का पार्ट आ गया एडीनो एंटीरियर प्य को तो इससे इस बाकी जितने भी हॉर्मोन्स जो हैं अपने पिट्यूटरी के वो सिंथेसाइज और रिलीज हो रहे हैं पार्स डिस्टेलिस के अंदर जो आप ग्रोथ हॉर्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन ए ठीक है बाकी जो एल एच एफ एस एच पी आर एल वो सभी कहां आते हैं बेटा अपने पास डिजिटली से रिलेट रहते हैं उसके अंदर सिंथेसाइज और रिलीज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन नंबर 149 जो है बेटा उसमें क्या पूछा गया है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बिकम्स एक्टिव वेन जो रेनिन एंजियोटेंसिन एनजियोटेसिन पाथ हुए बेटा रास पाथ हुए जिसको कहते हैं वो कब एक्टिवेट होता है जैसे ही जो प्रेशर होता है वो कम होता है क्या बोला प्रेशर हो गया लो किसका ब्लड का कहां पर ग्लोमरुलस के पास ग्लोमरल ब्लड प्रेशर बिकम लो अगर ये लो हो गया तो उससे क्या होगा जो जेजी सेल्स होती है बेटा अपरेटस के अंदर जो है ये समझ लो वो एक्टिवेट होगा और रेनिन जो एंजाइम है उसको रिलीज करेगा वो रेनिन क्या कराएगा जो एनजियोटेनसिनोजन है बेटा उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा और फर्स्ट को सेकंड में कौन बदलेगा एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम ये कहां से आया अपने जो लंग्स है और जो सेकंड है वो है वो एक्टिव फॉर्म वो एक तो हमारे जो एडर्नल कोटेक्स है उस पर काम करेगा एल्डोस्टीरोन जो हॉर्मोन है उसका प्रोडक्शन करेगा बेटा दूसरा वेसो कॉन्ट्रैक्शन ये बाकी जो फंक्शन है वो कैरिड आउट कराता है बेटा ठीक है तो आंसर क्या होगा बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 150 Kokros, जितने भी बेटा आर कैसे होते हैं कॉकरोच है वो अपने ओमनीवोरस होते हैं हैं इट वो दोनों मीट भी खाते बेटा और जो भी अपने वेजिटेबल्स हैं या जो भी प्लांट से रिलेटेड कंपोनेंट है उनको भी इनटेक करता है तो ओमनीवोरस यहां भी है तो यहां तो आ गया ओमनीवोरस एंड बोथ सेक्सिस आर डिफरेंशिएटेड एक्सटर्नली बाई अब दोनों सेक्सेस को डिफरेंशिएट करना बेटा तो मेल के जो सेगमेंट है बेटा ए नाइन सेगमेंट है उसके पास क्या होता है एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है क्या एनल स्टाइल ठीक है हेंस एंड एंड आर एनल स्टाइल जो सरसी बेटा ठीक है सेंसरी ऑर्गन होता है और ये अपना जो ए टेन पार्ट है बेटा उसके ऊपर प्रेजेंट होगा मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है तो इस वजह से जो अपना आंसर है बेटा वो आ गया थर्ड ठीक है सोल्यूशन जो बेटा आपको करेक्टली जितने भी पॉइंट है जो आपके क्वेरीज थी वो करेक्ट हो गई होंगी जो समझ में आ गई होंगी ठीक है आप ऐसे ही मेहनत करते रहें ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स बेटा